हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे अपनी पब्लिक, होप कैसे बढ़िया होंगे। सो फिलहाल के लिए गाइस आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है कुछ सुले वाले रोड से। सो फिलहाल के लिए गाइस आज हम जा रहे हैं जम्मू। आज मैं जा रहा हूँ अतुल के साथ, तो मेरे को थोड़ा सा काम था जम्मू और बूजी को लाना था, बाइक लगा देंगे जम्मू और जम्मू से आएंगे गाड़ी लेके। तो ये बोलता मेरे साथ ही चल, मैं बोला यार अलग से बाइक लेके चलते हैं तो ब्लॉग भी बन जाएगा, मज़ा भी आएगा। तो अभी हम साल्टी वाली साइड पहुँच चुके हैं। तो यार ये बाइक वाला ने बड़ा तंग कर रखा है यार, साथ साथ में चल रहा है और विदाउट रीजन के हॉर्न टी 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 कर रहा है। अतुल भी अच्छी खासी बीजता है बाइक, पूरी रेल बनाता है। बाकी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ यार, मेरा टायर पीछे से ना ऐसे घूम रहा है, पूरा स्किट कर रहा है। नो गाइस अभी हम पहुँच गए हाईवे पे, सो अभी मज़ा आएगा गाइस। और बाकी आज थंडरबर्ड बांध नहीं रहा है दोस्तों, इसको थंडरबर्ड ऐसे भाग रहा है ना, थंडरबर्ड ऐसे भाग रहे क्या बताऊँ आपको। बाकी 220 हमने पूरी पीछे चिपका के रखी हुई है, बाकी मैंने इतना गैप बना के रखा है। अगर अतुल आ गया हो, अगर मैं आगे हूँ अतुल इतना गैप नहीं बनाता हूँ, बिल्कुल साथ साथ में रखता है, फिर मैं पीछे हो जाता हूँ। क्योंकि यार आपको पता है अगर सडन बंदा ब्रेक अप्लाई करेगा ना, तो आपको पता है 50 मीटर तो लगेंगे ही लगेंगे बंदे को ब्रेक बजते हुए। बाकी ये पूरा जहाज बनाता है पता होगा देखो। बाकी यार मेरा टायर गंजे है ना यार, उसकी वजह से मेरे को कोई मज़ा नहीं आता बाइक चलाने का। बाकी हो क्या वो आवाज़ आ रही हो, और एंगल का मेरे को पता नहीं भाई, क्योंकि अभी इस टाइम पर मैं बाइक चलाने में फोकस कर रहा हूँ। वो पता तू कहाँ जा रहे आ जा रहे थे, फिर कम निकल रहे आगे। ट्रक वाले कभी इधर कभी इधर कभी इधर साफ बनाते हैं पूरा। अरे सतुल यार तो बड़ी दूर है रे, एक सौ अठाई ये कब चढ़ गया देखा, 100 पहुंचा तो अतुल भी आ गया इतना खींचा था खींच लिया। ये देखो 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 लोंटा पूरा नील लोन जा रहा है, जैसे कर रहा है मेरा। बाकी ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, 70-80 की स्पीड सारी थी आए चक्कर हो गाइस। बड़े दिन के बाद मैंने ये बोला चक्कर हो गाइस, सात समुद्र हो पार भाई, गाना गाया कॉपीराइट मत लेना। बाकी गाइस अभी हम पहुंचे कुछ व्यू पॉइंट पे, और गाइस ये बस वाला इतना रैश कर रहा है ना क्या बताऊँ आपको, कभी इधर आ रहा है कभी उधर आ रहा है, इसको अपनी साइड का तो पता ही नहीं है भाई कहाँ पर है। इसको इतने हॉर्न मार रहा था ना पीछे से, मैं ये सुन ही नहीं रहा था। बाकी राम राम से चलेंगे भाई, ज़्यादा दौड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 9 बजने को आ गए हैं। अतुल की क्लास भी थी 9 बजे, बाकी 15 मिनट का हम दोनों हो गए हैं। बाकी चले धीरे धीरे ही चलेंगे भाई, ज़्यादा तो खींचेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा खींचने का नुकसान भी है बाइक को भी, और अपनी जान को भी रिस्क में लेने का। बाकी जहाँ आपको पता है जो आपने कंटेंट बनाना है जिस चीज़ के लिए आप आए हो, बाकी अगर उस प्लेस पे हो फिर आप दौड़ाओ। बाकी ऐसे यार आम लोकल चल रहे हो, आम चल रहे हो तो धीरे चलो भाई, हम भी ये सजेशन देते हैं सबको। बाकी लोकल चलना है, आजकल देखा आपने मैं लोकल ब्लॉग ही नहीं बनाता हूँ, ब्लॉग बिल्कुल ही नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आपको पता है यार लोकल ना लोग दुखी हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या सिस्टम है देखो, ये आपको हाईवे मिला, इस हाईवे पे चलाओ, 100 तक पहुँचा दो, दौड़ाओ भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप सिटी में राइड करोगे, सिटी में रैश करोगे भाई बहुत नुकसान है। एक तो पहली बात तो आपको पीछे लोकल पुलिस ही नहीं छोड़ेगी आपका पीछा, और उसके बाद गाइस लोग भी दुखी होंगे। इससे अच्छा है कि गाइस यार सिटी राइड को छोड़ के मतलब हाईवे राइड करो। देखो पहले पहले जब ब्लॉगिंग का ट्रेंड आया था हमारे जम्मू में, तो यार सारे बाइकर सारे राइडर सिधरा 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 भागते थे, तो सिस्टम क्या था कि सिधरा में बहुत सारा रैश हो गया था, मतलब इतना सारा रैश करते थे लोग कि क्या बताऊँ आपको। बाकी अब तो बहुत कम हो गया ऐसा वाला ट्रेंड, कि सिधरा में बहुत तंग किया था पुलिस वालों ने भी और राइडर्स ने भी, राइडर्स ने किया था लोगों को दुखी और पुलिस वालों ने किया था राइडर्स को दुखी, बस इतना ही फर्क था। बाकी चलो जो भी है बहुत अच्छा है। बाकी अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे, सो गाइस मिलते हैं आपको आगे जाके। और बाकी मेरे को लगता है गाइस कान भाई ऊपर से नीचे की तरह था,
यार बहुत सारे ट्रक जा रहे हैं, बाकी हम मतलब सेफ राइड करते करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है राइड की भी, ठीक है, घर से निकले हैं, घर पे पहुंचना भी है या नहीं। बाकी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, बाकी अभी अतुल आ गया, अतुल लेट हो रहा है, बाकी कोई चक्कर नहीं है, 10 मिनट लेट से ही, बट थोड़ा धीरे ही जाएंगे, बट ज़्यादा नहीं खींचने वाले, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 100 की स्पीड 80-90 की स्पीड इस रोड पे मतलब आम होती है। ये देखो 86 की स्पीड में चल रही है गाड़ी भी, मतलब बराबर बराबर चल रही थी, मतलब समझ लो आप 80-90 की स्पीड नॉर्मल है यहाँ पर कोई, ठीक है, बाकी ज़्यादा 120-130 पहुँचाओगे आप इसको इस रास्ते में ना, थोड़ा सा आपके लिए रिस्क है। बाकी अभी तो लगे आगे चल रहा है। बाकी कान भाई तो आज ऊपर से है, बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं साथ साथ में, पता है आपको। बाकी हम राइडर्स तो क्या है भाई, हम तो जाएंगे जाएंगे, जो दूसरे वाला है ना गाइस, जो सेफली राइड कर रहा होगा, क्या पता उसको जाके ठुके, तो दैट्स व्हाई गाइस धीरे ही भाई, ये नहीं बोलते कि हम परफेक्ट है, हम नहीं है परफेक्ट गाइस, हम कोई भी नहीं है परफेक्ट, पता है आपको। बाकी क्या पता वो आगे बंदे चल रहे हैं स्कूटी पे वो परफेक्ट हों, हम पीछे से आए हवा बना के, मतलब हवा बन के आए पीछे से, इसको बेचारे को ठोके, बेचारा ये भी गिरेगा, क्योंकि ये गलत नहीं है, पर ये गलत नहीं है गाइस, अगर राइडर्स गलत है ना तो आपको पता है तो बंदे छोड़ेंगे नहीं, अगर राइडर क्या पता सही भी होगा, ओ देखो वो बंदा उस साइड से रॉन्ग साइड से जा रहा है, अब बताओ वो बंदा गलत है या हम गलत है, अब क्या पता हम यहाँ से जा रहे हैं ना तो यहाँ से बंदा है आके ठोक दे, ठीक है, वहाँ पर हमारी गलती नहीं होती, बट लोग वहाँ भी हमारी गलती ठोकते हैं। चलो बाइकर कम्युनिटी को बदनाम किया हुआ है लोगों ने, छपरियों ने, बाकी चलो जो भी है, ठीक है यार। देखो अब मेरे को पता है यहाँ सिधरा है, ये जो सामने रूट है इस वाले रूट से मतलब लोग चलते हैं स्पीड में, तो गाड़ी भी 120 की स्पीड में नॉर्मल होगी। अब आपको ये लेन मिली, अगर आपके सामने कोई गाड़ी नहीं है, अगर आपको जगह दिख रही है तो भाई आराम से निकल जाओ, बाकी अगर नहीं दिख रही है तो भाई छपरीबाजी मत करो, ठीक है। अभी देखना अगर हमें जगह मिलेगी तो हम खींचेंगे, अगर नहीं मिलेगी भाई नहीं खींचेंगे, ठीक है। बाकी यही जगह है जहाँ आपकी बाइक का टॉप एंड भी आपको पता चलता है, और सब कुछ आपको अपनी बाइक का यहाँ ही पता चलता है, माइलेज वगैरह अगर आपने वो भी रश करनी हो वो भी यहाँ ही पता चलती है। बाकी ये लेन है, बाकी देखो अभी इधर गाड़ी है, अभी अगर एक हमने धीरे धीरे थोड़ी सी गाड़ी क्रॉस कर दी तो फिर हम बाइक खींचेंगे, अगर गाड़ी हमसे आगे रही फिर भाई हम नहीं खींचने वाले, ठीक है। देखो अब देखो ये ट्रक है ना, देखो ये बंदे आ गए इधर से धीरे, अब देखो अब आपको जगह मिली है, स्पेस मिली है तो आप खींच लो ना यार, कौन बोल रहा है आपको, तो भाई गियर मिस हो गया करे, बाकी पूरा टॉप एंड नहीं बचता है यहाँ पर, बस इतना ही। देखो आपकी गाड़ी आगे धीरे, बाकी आपको एक बात बताऊं, आज विंड ब्लास्ट इधर को है, बताया आपको इधर को, तो बाइक ज़्यादा चढ़ रही नहीं है क्योंकि ये चढ़ाई है, बाकी टॉप एंड वहाँ से नीचे को बसता है। बाकी देख रहे हो आपके भाई ने ज़्यादा खींची भी नहीं, ज़्यादा जितनी मेरे को लगता था बस मैंने उतनी खींची, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खींची। बाकी गाइस अभी हमने यहाँ से जाना है नीचे, और बाकी ये चीज़ देखो ट्रैफिक रूल्स देख रहे हो आप, ये देखो हर एक बंदा गाड़ी लगाएगा भाई, पूरा ट्रैफिक रूल फॉलो करेगा। बाकी हमारे रियासी में भाई क्या बताऊँ आपको, बत्तियाँ ही नहीं है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ओह ये देखो भाई फाइटरी, क्या बात है ब्रो, गुड 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 गुडिंग। बाकी आपका भाई तो चलेगा भाई जितनी सी बात धीरे धीरे, ठीक है, गंद नहीं डालना बस। अभी इतना भाषण देखे तो मैं खुद ही गंद डालूंगा गाइस, क्या फायदा। ओह बहुत बड़ा खड्डा था गाइस, बहुत बड़ा, ओ भाई कहाँ खड्डा बनाया हुआ है ये, मैं तो बड़े देर के बाद आया हूँ इस वाली लेन पे। ओह ब्रावा, शुक्र करो गाइस इस साइड को था, ऐसे नहीं था, ऐसे होता था गाइस बाइक टूटनी टूटनी थी, शक्कर टूट जाने थे बेचारी के। रूम में जाना है मेरे को, कहाँ गया भाई ब्रावा, ये गाड़ी वाला भाई इंडिकेटर देखो कब दे रहा है। बाकी वो जा रहा है आगे अतुल, अतुल को भी हमने पकड़ लिया, अभी मेरे हिसाब से ये भूजी के घर भाग रहा है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। तो फाइनली भाई लोग अभी हम पहुँचे नरवाल में, हेयर इज योर बिल्लो, सो हमने देना था गाड़ी का एक्सल, तो ये बंटी भैया इन्होंने की हमारी हेल्प,
अपनी गाड़ी का एक्सल भेज दिया रिपेयर होने के लिए। भाई जो रियासी से वीडियो देख रहे हैं, अगर गाड़ी का काम कराना तो फिर आप आ सकते हो। यार इस बंटी भैया, इनका नंबर डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, नंबर ले लेना। बाकी एक लास्ट भाई गाड़ियों के मसले में A1, और बाकी ये लगी आपकी बिल्लो। जम्मू एंटर होते इसकी हालत बहुत थी ना भाई, देखो मिट्टी। तो अभी तो एक्शन छोड़ा है, बोलते ऐसे तो एक दिन का टाइम दे रहे थे। बाकी बंटी भैया का ट्रिप आया तो आधे घंटे में काम बन जाएगा अपना। बाकी हालत देख सकते हैं आप मेरी क्या बन गई है इस टाइम पे, जंगली जंगली जंगली। बाकी जो भी है चलो ठीक है, सो अभी चलते हैं। सो गाइस मिलते हैं हमको बूजीगढ़ पे जाके। मैंने बूजीगढ़ पे जाना है, पहले मैं कमरे में गया था तो रूम में जाके आधा घंटा एक घंटा रेस्ट की, फिर उसके बाद गाइस मैं इधर के लिए आ गया। तो अभी यहाँ से हमने जाना है घर पे, और बाकी जो अपनी गाड़ी को ओलाए डलवाए वो भी बंटी भैया ने दिलवाए हैं, ठीक है। और बाकी अभी जो गाड़ी का काम कराऊंगा मैं भाई इससे कराऊंगा, इस बंदे ऐड काम करता है बंदा। बाकी नंबर इस बंदे का डिस्क्रिप्शन में, इस बंदे को भी चाहिए होगा तो ले लेना। बाकी अभी चलते हैं, तो मेरे हिसाब से 15-20 मिनट हो भी गए हैं, 10 मिनट के बाद जाना एक्सल लेने, फिर कैसे मिलते हैं बाद में, ठीक है। सो फाइनली गाइस अभी मेरा काम हो चुका है, तो विद इन 30 मिनट्स बंटी भैया ने मेरा काम निकलवा दिया। यार जहाँ मेरे को एक दिन लगना था वहाँ पर मेरे को आधे घंटे में काम हो गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बंटी भैया। तो अभी चलते हैं यार, अभी मेरे को बूजी के घर जाना है, और मेरे को बूजी को लेके वापस रियासी जाना है, और बाइक मेरी रहेगी जम्मू ही, ठीक है। जम्मू रहेगी फिर मैं वापस आऊँगा कल या परसों, तो फिर बाइक ले जाऊँगा और बूजी को घर पर छोड़ना है। तो पहले चलते हैं बूजी के पास। अरे भैया यहाँ कहाँ गलियों में फाइटरी कर रहे हो हाथ छोड़ के। और बाकी गाइस आपको एक बात बताऊँ, अरे सबर वे मॉल, और एक बात बताऊँ यार जम्मू में मज़ा ही है, ठीक है। जहाँ देखो वहाँ मज़ा है, खाली थोड़ा सा बंदे को वो होता है कि यार ट्रैफिक है, बाकी ठीक है भाई। हाई लक्स जहाँ जा रहा भाई आगे टोयोटा का। सो गाइस वेलकम बैक। सो आज है तीसरा दिन। सो गाइस मैं परसों चला गया था रियासी, तो बाइक मैंने लगा दी थी जम्मू ही, तो आज मैं घर से वापस आया, तो आज मैं जा रहा हूँ वापस। सोच रहा हूँ आज घर पे नहीं जाऊँगा, आज जम्मू ही रहूँगा रूम में। सो हेयर इज योर बिल्लो गाइस, इधर लगाई हुई थी, गंदी हो गई यार, गंदी हो गई बिल्लो। और ग्लव्स मैंने बैग में डाल दिए, सो नाउ आई एम इन शनी। तो यहाँ से निकलते हैं, तो चलते हैं आई थिंक वे मॉल वाली साइड निकलेंगे हम यहाँ से। सो निकलते हैं फिर गाइस, मिलता हूँ आपको बाद में। भाई इस रूट पर सबसे ज़्यादा तंग करता है ट्रैफिक, मज़ा भी बड़ा आता है ट्रैफिक में, बट जब पुलिस वाले मज़ा निकालते हैं ना फिर वो भी बड़ा मज़ा आता है। लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं हम, लोचन निवास। बाइक बाइक नहीं लगी है अंदर, तो मतलब कहीं गया होगा वो। किधर है, किधर है? नहीं है रूम, चल ठीक। सो भाई लोग अभी हमें लगी है भूख, तो मैं और अतुल चले भाई कहीं कुछ खाने के लिए। 4:30 हो गए शाम के, कुछ मिलेगा इधर नहीं, नान वगैरह। वैसे रेस्टोरेंट इधर सामने है, बट भाई यहाँ जाने का मन नहीं है ब्रो। सो गाइस अभी हम निकले हैं एक छोटी सी राइड के लिए। सो अभी रात के बज रहे हैं 7:30 की 8। सो अभी हमारा एक भाई वेट कर रहा है, तो वो एशिया होटल के आगे वाले पेट्रोल पंप पे। सो चलते हैं आपको दिखाते हैं यार कौन बंदा है कौन नहीं। सो गाइस देख रहे हो अभी आप यहाँ पर, मतलब इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं इतनी होनी चाहिए। तो बाकी अपनी बाइक के आपको पता है सिर्फ ये साइड वाले प्रोजेक्टर चलते हैं, अंदर वाली लाइट तो बिल्कुल नहीं चलती है, क्योंकि उसके सामने ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है, तो दैट्स व्हाई गाइस वो थोड़ी सी दिक्कत देती है। तो भाई जाम में फंस चुके हैं। सो अभी तो हमने बहुत सारा ट्रैफिक क्रॉस कर लिया, ये चल रहा है भाई आपका आगे आगे, अभी बाद में बताता हूँ कौन बनता है भाई। फाइनली भाई लोग अभी हम पहुंचे कुछ ऐसी लोकेशन पे, हेयर इज अवर बिल्लो ब्लैकी। और भैया आपने क्या नाम डाला है, साइक्लोन? सो पहचानो भाई बंदा कौन है, शक्ल नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये अपने ब्लैक लिस्टेड साइको, आगे अभी साइको ही है, ठीक है यार। सो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से। सो फिलहाल अभी हम हैं कौन से रोड पे, अखनूर वाले रोड पे है ना। सो अभी चलते हैं यार, छोटी सी राइड करेंगे, रील्स वगैरह बनाएंगे, देखते हैं आगे अगर लाइट मिलेगी तो बनाएंगे, अदरवाइज वापस आ जाएंगे। अभी चेक करो ये रही अपनी क्या बोल सकते हैं इसको, ब्लैकी, हाँ ब्लैकी।
और साइक्लोन और अपनी बिल्लो, ठीक है, लगी हुई बीच में, तीनों एक ही जैसी है 220। सो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद जब हम हाईवे पे चलते हैं। सो फाइनली भाई लोग हाईवे के ऊपर है हम, आपको हवा आ रही होगी, हेयर इज योर ब्लैक लिस्टेड और वो साइकिल चल रहा है आगे आगे भाई। तो अतुल हमारा वीडियो शूट कर रहा है, ठीक है, उसके पीछे बैठ के। बाकी अभी हम मज़ा ले रहे हैं राइड का पूरा, बाकी रोड पूरा खाली है इस टाइम पे। देखो भगाओ 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 भगाओ, कहाँ रह गया भाई। बाकी भाई BS3 BS6 को नहीं मानती, ये देखो ये गए ना, बाकी भाई मजा आता है आपकी बिल्लों पर राइड करने का। ये देखो ये क्या साइको आ गए, भाई मजा आ गया। ट्रक वाले ने क्या किया बताओ उसको, ट्रक वाले ने देखा क्या किया, पागल हो गया साला। मैंने धीरे कर दिया मैंने नहीं देखी कितनी गई कितनी नहीं, जा रही है नहीं, लाइट का भी मसला नहीं है यार। गाइस यार अभी हम पहुंचे हैं कुछ फ्लाईओवर के ऊपर, तो भाई निगर खींची, बाकी ट्रक वाला जहाँ ले गया था बाकी बच गए, ठीक है। और अभी ऊपर लाइट भी है, सो हियर इज योर बिल्लो एंड तीनों बाइक यहाँ पर लगी हुई है। मैंने सोचा गया। एक बात बताऊं, आपने ठीक किया आपने खींच दी, अगर ब्रेक मारते ना फिर ठुके थे। मैंने रोक दिया था, मैंने कंट्रोल कर दिया था। बाकी गाइस बारिश आना शुरू हो गई है, देखो यहाँ पर ड्रॉप्स गिर रहे हैं, और बाकी एक दो रील शूट करते हैं फिर चलते हैं फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फाइनली भाई लोग अभी हम वहाँ की राइड खत्म करके अभी हम आ गए इस जगह पे, तो अभी चलते हैं कमरे में। अभी मेरा मन है कि कल मैं सुबह घर पर चला जाऊँ, अभी देखते हैं यार क्या सीन रहता है। तो अभी चलते हैं कमरे में, तो यार ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, सो गाइस मिलता हूँ बाद में, ठीक है, कमरे में जाके। गाइस यार अब मैं आ गया था रूम में, तो मैंने OTG के थ्रू वीडियो ली अपने फ़ोन में, तो यार मैंने चेक किया कि मेरा ना एंगल बिल्कुल ख़राब आया हुआ है इस ब्लॉग में। रियासी से जब मैं निकला था तब तो ठीक था, बट अब ख़राब हो गया था एंगल दिन को, मतलब कि अल्ट्रा वाइड से वो वाइड पे आ गया था, तो यार वीडियो अच्छी नहीं बनी है। तो इस चीज़ को इग्नोर करना यार आज के ब्लॉग में, तो आपको नॉइस भी आई होगी क्योंकि रात का ब्लॉग था। तो यार अगली बारी मैं ये चीज़ को पूरा प्रॉपरली देखूंगा, चेक करूंगा एक बारी कि ठीक बना या नहीं बना। सो गाइस इस चीज़ को इग्नोर करना, और मिलते हैं आपको एक ऐसे मैसेज ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू।